गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चे, आपके पीटी एग्ज़ाम्स में माय स्कूल लाइब्रेरी और एक आर न्यू कार, ये दोनों पैराग्राफ्स मैंने लिखवाए हैं, ठीक है? तो आज मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी माय स्कूल लाइब्रेरी की, ठीक है? हिंट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, लेकिन जो मैंने लिखा है आप एक बार वो रिवाइज कर लीजिए। यू कैन मेक इट योर ओन also, okay? So let's start doing the revision of this. My school library, यही था। मैंने आपको hints भी दिए थे और मैंने एक paragraph भी लिखा था इसके ऊपर, ठीक है? और मैंने आपको बोला था कि आप ये भी लिख सकते हो, और अगर आपने खुद से कुछ बनाया हो तो आप वो भी लिख सकते हो। It's not compulsory कि आप यही लिखो, but उसके अलावा मैं फिर भी एक बार revision करवा देती हूँ। स्टार्टिंग विद द माई स्कूल लाइब्रेरी, तो हम रिवाइज करते हैं कि माई स्कूल हैज अ वेरी बिग लाइब्रेरी। मेरे स्कूल में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, क्योंकि हम लाइब्रेरी का पहले स्ट्रक्चर बताएंगे। इट हैज हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, इट हैज हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, देर आर सो मैनी बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी। अब कौन कौन सी बुक्स हैं, विच बुक्स वी आर हैविंग? इट हैज बुक्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, which includes story books, magazines, educational books, okay? अब लाइब्रेरी का स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसी अंदर से कैसी है? There are rows of tables and chairs, बड़ी बड़ी रोज बनी हुई है टेबल्स की और चेयर्स की। बुक्स आर अरेंज्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, बुक्स को बड़े सिस्टम के साथ अरेंज किया गया है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो बताने पड़ेंगे ना हमें लाइब्रेरी के, कि क्या रूल्स हैं, कैसे बुक्स ले सकते हैं। सो वी आर डूइंग द सेम, वी ऑल हैव लाइब्रेरी कार्ड विच वी यूज टू बोरो द बुक्स। हमारे पास ना एक लाइब्रेरी का कार्ड है जिसको हम यूज करते हैं बुक्स को बोरो करने के लिए। वी कैन बोरो टू बुक्स एट अ टाइम, हम दो बुक्स को एक टाइम पे बोरो कर सकते हैं। वी कैन बोरो टू बुक्स, दो बुक्स को एक टाइम पे बोरो कर सकते हैं। नाउ हु टेक केयर ऑफ योर लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की केयर कौन करता है? लाइब्रेरियन। अब लाइब्रेरियन का नेचर कैसा है, लाइब्रेरियन कैसे बात करते हैं आपसे, कैसे वो मेंटेन करते हैं, कैसे वो रहते हैं लाइब्रेरी में, क्या क्या करते हैं? सो आर लाइब्रेरियन, अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। सो वी आर सेइंग आर लाइब्रेरियन इज अ वेरी नाइस लेडी, शी इज अ वेरी नाइस लेडी, शी स्पीक सो पोलाइटली। आप कुछ भी एड कर सकते हो लाइन्स, ठीक है? She has a lot of knowledge about books. उनको books की इतनी सारी knowledge है, उनको तो बहुत knowledge है books की, ठीक है? अब वो library को कैसे करके रखते हैं, क्या सब कुछ ऐसे ही बिखेर के रखते हैं? No, she maintains the library very well. उन्होंने library को बहुत अच्छे से maintain करके रखा है। Some teachers also comes to library in their free periods. कई बार ना बच्चे तो पढ़ते ही हैं बुक्स को, but sometimes teachers also come to the library and read books. अब हम करेंगे end up, मतलब इसे करेंगे pack, कैसे लिखेंगे? I also love to visit my school library. मुझे बहुत पसंद है अपनी school library में जाना, as This is the only place, क्योंकि यही एक ऐसा place है, where I can sit, जहां मैं बैठ के and study peacefully, बड़ी शांति से पढ़ सकता हूं without any disturbance, बिना किसी disturbance के, क्योंकि library में बात करना allowed नहीं होता, okay? लाइब्रेरी में बात तो कर नहीं सकते, तो बिल्कुल पीस होगी, बिल्कुल शांति होगी। सो विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम पीसफुली पढ़ सकते हैं। आप आगे भी लिख सकते हो कि आई लाइक माई स्कूल लाइब्रेरी वेरी मच, कुछ भी लिख के उसको कंप्लीट करके एंड करके थैंक यू, ओके? ये थैंक यू आप नहीं लिखोगे, आई एम टॉकिंग टू यू ओनली कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास, ठीक है? तो आपको अगर
ये सेम भी लिखना है ना एग्जाम में, देन ऑल्सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं इसका पीडीएफ आपको दे दूंगी। ठीक है, आप ये सेम भी लिख सकते हो, खुद का बनाया हुआ भी लिख सकते हो। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट रिविजन पार्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।